देखिए बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो इस तरह से आप एक ब्लेड को कम से कम 4, 5, 6, 7 बार आप यूज कर सकते हैं। हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटेक फर्नीचर। सो गाइज, आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो सिर्फ कारपेंटर भाई के लिए है, और जो इस फील्ड में नए नए हैं, जो पुराने भी हो चुके हैं, उनके लिए वीडियो भी होने वाली है खास। तो इस वीडियो में क्या खास बात है हम बताएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं, कटर ब्लेड है, हर कारपेंटर भाई इसे यूज करते हैं। और हालांकि ये कटर ब्लेड 200, 250, 300, 350 के आसपास आती है। तो क्या करते हैं, एक बार कटर ब्लेड की धार चले जाने के बाद इसको फेंक देते हैं, फिर दोबारा इसको यूज नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके भी रीयूज करने का तरीका है, हम इसको दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम बताएंगे तरीका इसको कैसे रीयूज करना। मान लीजिए एक कटर ब्लेड को अगर आप महीने में या 2 महीने तक यूज करते हैं, तो कम से कम आपको महीने का 800, 900, 1000 या 1200, 1500 रुपया ऐसे बचत हो जाएगा। अगर आपकी साइट बड़ी है, अगर वहाँ पे 4, 5, 10 कारपेंटर काम कर रहे हैं, अगर आपको हफ्ते में 3-4 ब्लेड खर्च हो रही है, तो समझ जाइए कि आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए पैसे से, तो आप कितना पैसा बचत कर सकते हैं। तो ये होती है कुछ इंटेलिजेंट जो कारपेंटर होते हैं, उनके अंदर ये बातें हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके ब्लेड को कैसे हम दोबारा इसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल नए से भी तेज, सेम नया जैसा हो जाएगा ब्लेड ये। और एक ब्लेड को आप कम से कम 10 बार तो ज़रूर यूज कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो बने रहिए, वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। सो गाइस, सभी जानते हैं कोई भी औजार हम दोबारा यूज करते हैं तो उसमें धार लगाने की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी हम बेसिक से धार ही लगाएंगे। और धार लगाने का उसका फार्मूला क्या है, मैं तो आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए काम की बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एक ऐसा ग्राइंडर मशीन लेना है, और इस तरह से 2 चक आती है। तो सबसे पहले ये चक जो है इसके अंदर टाइट कर लें आप, ये फिक्स हो गया। फिर जो है ये ब्लेड धार लगाने वाली होती है, तो कुछ इस तरह का एक डिस्क आता है। तो सबसे पहले हम ब्लेड को टाइट करेंगे, हालांकि देख सकते हैं इसके बीच थोड़ा सा गैप बना हुआ है। तो एक ऐसा रिंग लेंगे, इस रिंग को यहाँ पे हम लगाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे नए कारपेंटर भाई को। अब इसको टाइट कर दें आप, बिल्कुल टाइट ऐसा करें कि मतलब खुले ना। अभी हमारी ये टाइट हो गई मशीन, ब्लेड टाइट हो गई हमारी। और इस ब्लेड में आप देखते होंगे ये दांते में धार लगी हुई है। तो एक दांते जो है हमारी लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा क्रॉस है, और एक राइट की तरफ क्रॉस है, ठीक है। तो आपको बारी बारी से अपने हाथ को, जिस तरह लेफ्ट है थोड़ा सा लेफ्ट को क्रॉस करना है, और जिस तरफ राइट है उसको राइट क्रॉस करके धार लगाना है, ठीक है। आप इसी हिसाब से धार लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट को लेते हैं, वहाँ पे एक पेन का मार्क कीजिए, ताकि आपको मालूम रहे कि आपने धार कहाँ तक लगा चुका है। तो ऐसे मैंने मार्क कर लिया ताकि हमको मालूम पड़े कि हमने धार कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पे एंड करना है। तो दोस्त, आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छे से धार लगा लिया इसके अंदर, बिल्कुल नया जैसा हो गया सर, आप देख पा रहे होंगे। देखिए बिल्कुल नया जैसा हो गया। तो इस तरह से आप एक ब्लेड को कम से कम 4, 5, 6, 7 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मोस्टली आपका काम ज़्यादा हार्ड वर्क है, प्लाई ज़्यादा हार्ड है, तो आप इसको 4-5 बार यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल प्लाई में काम करते हैं, नॉर्मल लकड़ी में काम करते हैं, तो आप इसको कम से कम तो 6-7 महीना आप एक ब्लेड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी हमारे वीडियो हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो का लिंक दे रखी है, आप उसे भी कंटिन्यू वॉच कीजिए। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी ढेर सारा वीडियो आपको ऐसे मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।